4, covering an area of 2 million square kilometers along the 7,500 kilometer coastline. With speed of 28 knots, we are very confident this deadly warship will exceed. To the complexities and multiple stakeholders. But blood, toil and sweat of GSL workforce has enabled the startling. With this time available before the arrival of our chief guest, I would like to brief you about the functional and the operational capabilities of this magnificent warship. The ship is
launching Viyad 1258, which is first of the triple class ships that are being made in the Goa Shipyard region. The triple class ships, as you all know, is a follow-on of the Talwar and Tre class ships. The Talwar and Tre class ships were made in Russia and brought to India from there. This is the first ship that is being constructed in India of the same class. This will add a lot of strength to the Indian Navy's ability in the coming years to maintain peace, stability and security in the Indian Ocean region. This is a very modern warship that packs capabilities in all dimensions, surface, air and subsurface. So it is likely to be a very, very powerful warship that will play multiple roles in defense of the country, and therefore I think today is a very, very important day for the Indian Navy and indeed for the nation. Sir, ब्रह्मपुत्रा के का जो इंसिडेंट हुआ है मुंबई में, आई एम नॉट अवेयर ऑफ व्हाट हैपेंड देयर. जो हुआ है, जो पब्लिक डोमेन में सभी को पता है, वो हमको पता है, उतना ही हमको पता है. सो इट इज़ अ वेरी सैड इंसिडेंट, बट द नेवी विल इंक्वायर इन टू व्हाट हैपेंड एंड व्हाट एवर करेक्टिव मेजर्स नीड टू बी टेकन विल सर्टेनली बी टेकन. द शिप हैड अ फायर, आई वांट टू नो, एंड इन फाइटिंग द फायर अ लॉट ऑफ वाटर वाज यूज्ड, परहैप्स बिकॉज ऑफ दैट some of the stability of the ship may have got upset, and so the ship is just tilted to one side and is resting on the jetty. The ship can very well be made upright. Water can be pumped out and we can do a damage assessment and we can resurrect the ship as soon as we can. So one sailor is missing from the ship. So what is the follow-up complete on that? So we don't know where the sailor is. He was seen coming out of the ship and he was seen in the water trying to swim ashore. We don't know what happened to him. Certainly there is a search for him and we will try and locate him very well. Thank you very much. ये गोवा शिपयार्ड के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है. ये हमने कॉम्प्लेक्स वॉरशिप ये पहली बार गोवा शिपयार्ड बना रहा है, और यहाँ के जो कामगार हैं और जो लोग हैं, उन्होंने डिस्पाइट ऑफ बहुत सारे चैलेंजेस के बावजूद इसको समय पर पूरा किया और हम इसका एक ब्यूटीफुल लॉन्च देख सके. ये शिप जो है जो रसिया में हमारे पास नेवी के 6 से 5 तलवार क्लास उसका फॉलो ऑन वेसल है, और इसमें जो कंप्लीट वेपन सेंसर्स वगैरह हैं वो सभी इंडिजिनस हैं. तो एक उस हिसाब से इंडिया की वॉरशिप कैपेबिलिटी के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है. सर, आप बात करते हैं, मैं आपने शिपयार्ड के आगे के शिपमेंट और तरक्की के बारे में बात की है, इससे थोड़ा भी शिपयार्ड 1957 में पुर्तगीज ने स्टार्ट किया था जैसे कि आपको पता है, और हम स्लोली स्लोली पिछले 6 डिकेट्स में बहुत आगे बढ़े हैं, और ये शिपयार्ड अभी मॉडर्नाइज हो गया है जिसमें हम एट ए टाइम 14 शिप कंकरेंटली बना सकते हैं, और इस शिपयार्ड की ग्रोथ 2022-23 से नेक्स्ट 3 साल में हम 4000 करोड़ के ऊपर लेके जाएंगे एनुअल ग्रोथ. सर, नए शिपयार्ड की जाने वाले हैं, हम लोग काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं इंडियन नेवी के साथ में, इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ में, और हम लोग जो है फॉरेन कंट्रीज़ के साथ में भी जो कमर्शियल शिप बिल्डिंग है एक बहुत बड़ा मार्केट, उसको हम अपने लिए जो है गोवा शिपयार्ड के लिए कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस शुरुआत में हमको जून के पहले वीक में एक सफलता भी मिली जहाँ पे कि हम न्यू जनरेशन ड्रेजर का एक यूरोपियन क्लाइंट से ऑर्डर लेके आ पाए, और अभी इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, और नेक्स्ट 4 साल में हम देखते हैं कि हमारा 15% रेवेन्यू एक्सपोर्ट ऑर्डर से आए. सर, आपका गोवा शिपयार्ड यहाँ पे वर्क कर रहा है, तो लोकल्स के लिए किस तरह से आपका ये बिजनेस है? हाँ, लोकल्स के लिए बहुत बड़ा इकोसिस्टम हम क्रिएट कर रहे हैं. हमारा जो है गोवा वैसे भी कोंकण क्लस्टर यहाँ पे आया हुआ है, और जो मरीन इकोसिस्टम गोवा का बहुत अच्छा है, तो हम चाहते हैं कि जितने भी यहाँ के लोकल शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज़ हैं और अदर एमएसएमईज इंडस्ट्रीज़ हैं वो हमारे साथ ज्वाइन करें, हमको सपोर्ट करें, तो ना सिर्फ वो हमारी ग्रोथ में मदद करेंगे बल्कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए भी बहुत काम करेंगे, क्योंकि एमएसएमई इंडिया का बहुत ही बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की सोर्स है. सर, योर गुड नेम? सर, माई सेल्फ इज़ ब्रजेश कुमार उपाध्याय. थैंक यू सर.